चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 6.3 के 11वें प्रश्न से। चित्र में ये चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें ए बी बराबर ए सी है कि बढ़ाई गई भुजा सी बी अर्थात सी से बी की तरफ बढ़े हम आगे, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ये एक बिंदु ई है। यदि AD लंब है BC पर तथा EF लंब है AC पर तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, ये ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। बहुत आसान प्रश्न है, जरा देखिए बच्चों कौन कौन से दो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD ये वाला ABD देखिए इसमें ये कोण 90 अंश आ रहा है, और कौन सा त्रिभुज है देखिए जरा ध्यान से, ए बी डी ये वाला हो गया और दूसरा है ई सी एफ, कहाँ देखिए ई सी एफ, इसमें ये कोण 90 है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक एक कोण तो 90 आ गया, एक कोण और अगर बराबर आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो एक कोण बराबर कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर एक बात और विचार करते हैं कि ए बी ए सी अगर बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अब हमारे पास दो कोण भी आ जाएंगे और देखिए हम इसको करना प्रारंभ करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखते हैं दिया है त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी के, और क्या दिया है एडी लंब है बीसी पर, चित्र में दिया है, और इस चित्र में एक चीज और दी गई है कि ईएफ लंब है बच्चों एसी पर। अब आ जाते हैं क्या सिद्ध करना है उसमें, तो अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं बच्चों। यहां पर सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के, समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। चलिए बच्चों यहां पर रचना की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको बताया था उपपत्ति लिखने से पहले हमने कहा था आपसे कि अगर जिन दो त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है सबसे पहला अच्छा काम ये रहता है कि उनको अलग अलग बच्चों बना लिया जाए। तो हम ए बी डी को ये रफ वर्क है बच्चों यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये जरा ए बी डी बना लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा ए बी डी, और किसको समरूप सिद्ध करना है बच्चों ई सी एफ को, इसको भी जरा अलग से बना लीजिए। ये आ गया हमारा देखिए ई सी एफ। अब जरा विचार करें कि इनको अगर समरूप सिद्ध करना है तो समरूपता के कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास है और उनमें से हमें क्या क्या दिया गया है। ये देखिए बच्चों ये कोण 90 अंश है और इधर ये कोण 90 अंश है, अर्थात एक कोण हमें बराबर दिया गया है। अब या तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती आ जाए या एक अन्य कोण और कोई बराबर आ जाए तो हमारा काम चल सकता है, दोनों त्रिभुजों को समरूप किया जा सकता है। अब जरा देखिए क्या कोई दूसरे कोण बराबर आ सकते हैं क्या। अब इसमें अगर विचार करें हम तो पहले इस चित्र को अगर देखें आपको दिखाएं, ये पूरा बड़ा वाला मान लीजिए ये त्रिभुज है एबीसी, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके समूह कोण भी समान होते हैं। यहाँ पर एबी और एसी बच्चों बराबर दी गई है, अर्थात ये कोण इस वाले कोण के बच्चों बराबर होगा। तो अब अगर इस वाले चित्र में आप देखिए तो देखिए यही कोण बच्चों देखिए बी वाला कोण किसके बराबर आ रहा है सी वाले कोण के। देखिए ध्यान से इस त्रिभुज का रेफरेंस देके हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा। तो आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से दोनों कोण हमारे बराबर आ गए और इस दशा में दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे। अब इसी बात को हम लोग फ्रेम करके बढ़िया तरीके से लिखते हैं। आपके लिए हमारी सलाह ये है कि पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसके आगे स्वयं करिएगा, जब ना कर पाए तब वीडियो सॉल्यूशन आगे देख लीजिएगा। चलिए आते हैं उपपत्ति पे। तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को बराबर कर लिया जाए, एक समीकरण बना के छोड़ देंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि त्रिभुज एबीसी में हमने क्योंकि फ्रेमवर्क पहले ही कर लिया है
तो इसलिए अब आसान हो गया प्रश्न, ए बी बराबर ए सी, यहाँ पर ये बात हमें बच्चों ज्ञात है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में ज्ञात है, जगह का है इसलिए लिख रहे हैं। अब अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं, ए बी का समूह कोण कौन सा होगा, कोण सी बराबर होगा ए सी के समूह कोण बी के। यहाँ पर भी एक बात आप लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं लिखिएगा जरूर बच्चों, प्रश्न में एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको लिखना है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इतनी बात आपको लिख लेनी है। और ये समीकरण नंबर एक बना के बच्चों हमने छोड़ दिया। अब आ जाते हैं जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है सीधे वहां पे, तो अब लिखेंगे बच्चों त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ECF में। चलिए अब पहले तो ये जो कोण 90 है ये वाले लिख डालते हैं, D और F वाले 90 है, D लिखना है बीच में तो कैसे लिखेंगे, यहां से मान लीजिए लिखते हैं कोण ADB, चित्र आप देखते जाइए, कोण ADB बराबर होगा कोण EFC के। देखिए यहां पर भी देख लीजिए कोण क्या लिखा है आपने, ए डी बी ये 90 अंश है बराबर होगा कोण ई एफ सी के, ये भी 90 अंश है, ये दोनों इसलिए बराबर होंगे बच्चों क्योंकि ये बराबर दोनों ही 90 अंश के हैं, बराबर आप इस तरह लिखिएगा बराबर 90 अंश। इसके पश्चात ये लिख लेंगे कि भाई कोण सी, अच्छा पूरा नाम लिखना चाहे तो पूरा भी आप लिख सकते हैं, कोण सी को हम कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण बी को क्या नाम लिख सकते हैं कोण, अगर बी हमें लिखना है ये वाला तो बी बीच में आना चाहिए, तो बी अगर बीच में आना चाहिए तो ए बी डी ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी डी बराबर होगा अब उसके बाद सी वाले के लिए कोण ई सी एफ के। देखिए चित्र में कोण कौन सा निकाल लें, ए बी डी ये वाला बराबर होगा कोण ई सी एफ के, इतना बहुत आवश्यक है बच्चों ई सी एफ के, ये क्यों बराबर होगा, यहां से हम दे देंगे रेफरेंस, क्या रेफरेंस आया समीकरण एक से। आप सामने सामने लिखिएगा बच्चों, जगह की कमी का इस प्रकार से लिख रहे हैं क्योंकि अगला प्रश्न भी हमें करना है, मगर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए दो कोण बराबर आ गए, तो कोण कोण समरूपता से यहां से लिखना शुरू किया था इस जगह से कि किस किस त्रिभुजों को समरूप कर रहे थे हम, ए बी डी व ई सी एफ को, तो ए बी डी और ई सी एफ समरूप हो गए और यही बात हमें बच्चों सिद्ध करनी थी। तो आपने आंसर को पूरा करते हैं लिख देंगे त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ईसीएफ के, कारण क्या है एंगल एंगल सिमिलरिटी कोण कोण समरूपता, अंत में क्या लिखना होता है हमें इति सिद्धम या सिद्ध हुआ हेंस प्रूव्ड, और ये प्रश्न आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले 12वें प्रश्न की तरफ, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र इसमें भी दिया गया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी, अच्छा एबी बीसी तथा माध्यिका एडी, अर्थात एडी एडी माध्यिका है, यहां पर एक चिन्ह बना लेते हैं, ये माध्यिका है अर्थात बीडी और डीसी आपस में बराबर होंगे। आप भी अपनी पुस्तकें खोल के प्रश्न हमारे साथ साथ पढ़िए उसको रीड करिए। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो आपको सिद्ध करना है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यहाँ पर पी एम माध्यिका है, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है और फिर स्टेप बाई स्टेप आपको समझ में आता जाएगा, दिया है यहां पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में माध्यिका एडी कॉमा पीएम है, उसके पश्चात कह रहा है कि समानुपातिकता को भी लिख देते हैं,
क्या समानुपातिकता है? तो एबीसी की बजाओ एबी तथा बीसी। अच्छा एबी बीसी, अब यहां पर और क्या दिया है? एबी समानुपाती है बच्चों एबी बटे पीक्यू के। क्रम से लिखा गया है कि भुजाओं एबी बीसी तथा माध्यिका एडी, तो एबी बटे पीक्यू बराबर होगा बीसी बटे क्यूआर के, और ये बराबर होगा एडी बटे पीएम के। ये बात बच्चों में दी गई है, फिर से इसको पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीबीसी तथा माध्यिका एडी, तो ये हुई एबी, ये हुई बीसी, ये हुई माध्यिका एडी। उसके बाद लिखा है एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः, मतलब उसी क्रम में लेना है हमें भुजाओं, ये हुई पीक्यू फिर क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है, तो ये बात बच्चों में दी गई है। अब आते हैं सिद्ध करना है, दर्शाइए कि, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए जरा क्या सिद्ध करना है, इसको देखते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समानुपाती है त्रिभुज पीक्यूआर के। देखिए ध्यान से, यहां पर एबीसी दिख रहा होगा आपको, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है और ये बड़ा वाला त्रिभुज पीक्यूआर है, इसको हमें बच्चों समरूप सिद्ध करना है। चलिए समानुपाती नहीं, समरूप सिद्ध करना है। अब चलिए विचार करते हैं, कुछ रचना की आवश्यकता नहीं लग रही है, तो सीधे उपपत्ति पे आ जाते हैं। लिखेंगे हम लोग फाइनली उपपत्ति। अब देखिए जरा ये जो बड़े वाले त्रिभुज है इसमें क्या दिया गया है, कुछ भुजाएं समानुपाती है, तो कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती है देखिए जरा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये है हमारे पास। आगे ए डी बटे पी एम है, तो वो इन दोनों त्रिभुजों के भाग नहीं है, अंदर माध्यिकाएं हैं। तो अगर हम त्रिभुजों का समानुपाती सिद्ध करना चाहें तो इन दोनों को अगर देखें तो कुछ हमें आइडिया लग रहा है क्या? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, अगर कहीं से बच्चों कोण बी और कोण क्यू बराबर आ जाए तो हम एस ए एस सिमिलरिटी द्वारा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो कोण बी और कोण क्यू को बनाने वाली भुजाएं तो समानुपाती है, बस कोण बी और कोण क्यू और बराबर आ जाए तो हमारा काम चल सकता है। तो अब हम ये विचार करेंगे कि कोण बी और कोण क्यू कैसे बराबर आ सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप सिद्ध कर देंगे। वो कैसे सिद्ध करेंगे? यहां पर बच्चों हम बी सी के स्थान पर बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बी सी का मध्यबिंदु है। क्या लिखेंगे बी सी के स्थान पर बी डी? तो लिख देंगे ट्वाइस बी डी, क्योंकि BC संपूर्ण है और BD उसका आधा है। उसी प्रकार से QR के स्थान पर हम QM लिख सकते हैं, ट्वाइस QM। इस दशा में त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM SSS सिमिलरिटी से समरूप हो जाएंगे, तत्पश्चात हम कोण B और कोण Q को बराबर लिख लेंगे। चलिए अब इसको फ्रेम करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारे साथ साथ आगे चला रहा है। तो अब सबसे पहले AB बटे BQ जो दिया है इसी पे आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, और ये बात हमें यहां पर लिख देंगे ज्ञात है। अब आगे बढ़िए जरा, यहां पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू एज इट इज रहेगा बराबर बी सी की जगह लिखेंगे ट्वाइस बी डी, दो गुणे बी डी बटे इधर क्यू आर की जगह लिख देंगे ट्वाइस क्यू एम, दो गुणे क्यू एम, और फाइनली ये ए डी बटे पी एम एज इट इज रहेगा बच्चों। अब देखिए यहां पर डिफरेंस दे देंगे, क्या डिफरेंस लिखेंगे यहां पर हम बोले दे रहे हैं, आप देखेंगे डी व एम क्रमशः BC व QR के मध्य बिंदु है। ध्यान से पढ़ना सुनिएगा बच्चों, फिर लिखिएगा आपने, मध्य बिंदु है
तो अब इसके अगली पंक्ति में यहां से बच्चों देखेंगे आप, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखते हैं इस बात को, दो से दो कैंसिल कर देंगे तो अब आ जाएगा आगे ए बी बटे बी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। देखिए यहां पे दो से दो हमने कैंसिल कर दिया है, तो इसीलिए सीधे डायरेक्ट बी डी बटे क्यू एम लिख दिया है, और बराबर क्या बचा था हमारे पास ए डी बटे पी एम। इस आधार पर बच्चों कह सकते हैं देयर को, अब देखिए जरा हम इस आधार को कह देंगे कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूएम के, और यहां पर कौन कौन सी समरूपता लगी, एस एस समरूपता ट्रिपल एस, तीनों भुजाएं यहां पर बच्चों समानुपाती हैं, अतः त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम समरूप होंगे। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और इसको हम समीकरण नंबर एक बना के छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं अपने बड़े त्रिभुजों में जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है, तो इस पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर थोड़ा सा इस तरफ का छूट रहा है तो आप हमारे पास सुन के कंप्लीट कर लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। हाँ, इसमें लिखेंगे हम लोग ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये कहां से आया बच्चों, ये तो हमें दिया ही हुआ था, देखिए यही दोनों इक्वलिटी में उठा लिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। यहां पर लिख देंगे ज्ञात है, ये बात हमें दी गई है इसलिए हमने ज्ञात है लिख दिया। इसके पश्चात कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कहां से आया, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है बच्चों समीकरण एक से, अतः देयरफॉर त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने बच्चों, एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए, दो कोण बराबर है बनाने वाली भुजाएं समानुपाती है, अतः ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। और आखिर में क्या लिखना होता है हमें, इट सिद्धम या सिद्ध हुआ एज प्रूव्ड, इति सिद्धम। चलिए बच्चों उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप इसको पुनः रिवाइंड करके देखिए, या तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई अगर समस्या आ रही है तो आपका निदान किया जाएगा। बच्चों चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।